कन्नौज में ठटिया थाने के सिपाही अभिलाष ने एक फरियादी को थप्पड़ मार दिया, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। पीड़ित झगड़े की शिकायत लेकर थाने आया था। सिपाही द्वारा फरियादी की पत्नी के साथ भी अभद्रता की गई है। हरिद्वार में एसएसपी के निर्देशन में चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान रानीपुर पुलिस ने संदिग्ध 4 व्यक्तियों को पकड़ा, जिनके पास से 500 रुपए के लगभग 44 नकली नोट बरामद हुए। सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और पहले भी जेल जा चुके हैं। हरिद्वार में उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंतवाल ने गौ वंश संरक्षण की समीक्षा बैठक की। उन्होंने गौ कशी पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया और निर्देश दिया कि निराश्रित गौ वंश केवल पंजीकृत गौ सदनों को सौंपे जाएं। एटा के थाना पिलुआ क्षेत्र में 2 दिन पहले हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया। 17 सितंबर को योगेश ने बताया कि उसे ऑटो में लूट लिया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डेटा के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कौशाम्बी में गल्ला लादकर ओसा मंडी जा रही तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गई, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें, ये मामला महेवा मूरतगंज मार्ग के पास गौसपुर टिकरी गांव के पास का है। उत्तराखंड के सितारगंज में जश्न ईद मिलाद उन नबी और जुलूस ए मोहम्मदी के आयोजकों को भीम आर्मी आसपा ने सम्मानित किया। जिलाध्यक्ष सतेंद्र कुमार की अगुवाई में हरा साफा और बुके भेंट की गए। सतेंद्र ने कहा कि शहर को खूबसूरत लाइटों से सजाया गया और जुलूस में हजारों लोग शामिल हुए। बस आपके जन्मदिन के 3 दिन और था, उसके मौके पर आज एक प्रोग्राम रखा सितारगंज, जो रॉयल कैरिज में रखा गया और सारे सम्मानित लोग और सितारगंज की जितनी कमेटियां थी, अंजुमन थी, उन्होंने उनको बुलाया और बुलाने के बाद में बहुत ही प्यार भरे अंदाज में सबको सम्मानित किया। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने आज स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ अनुसूचित जाति के हकदारों तक पहुंचना चाहिए। अधिकारी को निर्देश दिया गया कि योजना का 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। अभी बीजापुर में सारे विभागों की समीक्षा बैठक की थी, उसी नियमित आज हमारे यहाँ पर जो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो अनुसूचित जाति के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, उनका अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुंचे और वास्तव में उसका लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उसके विषय में आज समीक्षा बैठक थी। कुशीनगर में प्रेम करने के आरोप में नाबालिग युवती और युवक को जमकर पीटा गया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने देवदूत बनकर दोनों की जान बचाई। वहीं घटना को अंजाम देने वाले 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। महुआ में पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में अवैध शस्त्रों के खिलाफ अभियान चलाया गया। महुआ कोतवाली पुलिस ने छतरपुर रोड पर 3 युवकों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 2 पिस्तल, 7 जिंदा कारतूसों के साथ उनको गिरफ्तार किया। सभी आरोपी ग्राम मकबर के निवासी हैं। गोरखपुर की गीड़ा पुलिस ने एक ऐसे सन की आशिक को गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी सनक में प्रेमिका को कार से रौंद दिया और उसकी जान ले ली। जानकारी के मुताबिक प्रेमिका की शादी कहीं और तय हो गई थी, जिसकी वजह से उसने शादी करने से मना कर दिया। नाराज प्रेमी ने प्रेमिका को कार से रौंद कर उसकी जान ले ली। पुलिस ने घटना के महज 24 घंटे के बाद सन की प्रेमिका को गिरफ्तार किया है। तो ये बात संज्ञान में आई कि जिस युवक द्वारा वो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी चलाई जा रही थी, वो पूर्व से जो मृतका है उससे परिचित था। ये भी बात सामने आई है कि काफ़ी दिनों से इनके आपस में बात नहीं हो रही थी। लड़की की शादी भी कहीं तय हुई थी, जिससे शुभ होकर के इसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। परिजनों द्वारा इस संबंध में एक तहरीर थाने पर दी गई, जिसके ऊपर तत्काल हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया। फतेहपुर के मोहल्ला खंबापुर में 30 बीघा आरक्षित जमीन पर अतिक्रमण को लेकर बाढ़ सभासद प्रतिनिधि विवेक नागर ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र दिया। उन्होंने बताया कि भूमाफियाओं ने जमीन पर कब्जा कर लिया है। जिलाधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया और कहा कि शीघ्र ही अतिक्रमण हटाया जाएगा। जमीनों में कुछ अराजक तत्व लोग कब्जा किए हुए थे, उनसे कई बार बोला गया लेकिन वो नहीं अनसुनी कर रहे थे। इस वजह से आज मीडियम साहब से मिलने आया था इसी विषय को लेकर।